अच्छा दोस्तों, आज हम आ जाते हैं थोड़ा आयुर्वेद की तरफ और प्रकृति के नज़ारों के बारे में कुछ बात करने के लिए। कि ये मेरे पास जो दिख पा रहे हैं, इसका नाम क्या है, आपके इलाके में क्या बोलते हैं, और इसका फल कहाँ कहाँ क्या क्या काम आता है, वो मेरी जानकारी में तो सब मिल जाएगा। विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री में अपना ट्रीटमेंट करो, सस्ते में करो, कहाँ कैसे क्यों मिलता है सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन चलो, मैं इसके बारे में कुछ जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स पढ़ के बता देता हूँ कि किस तरह से क्या क्या काम आएगा। तो इसका नाम है बर्फ फ्लावर ट्री बोलते हैं, और जिसे वैज्ञानिक रूप से नियो लामाकिया कैंडाम्बा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। ये रूबियासी परिवार से संबंधित है। इस पौधे के बारे में कुछ मुख्य विवरण इस प्रकार है। ऊंचाई विवरण में ऊंचाई बर्फ फ्लावर ट्री की 45 मीटर लगभग 148 फीट तक बढ़ सकता है। ट्रंक, इसमें चिकनी छाल के साथ एक सीधा बेलनाकार ट्रंक होता है। पत्तियां बड़ी, विपरीत और मोटे तौर पर अंडाकार होती है, जिसकी सतह चमकदार होती है। फूल, पेड़ छोटे सुगंधित पीले नारंगी रंग के फूल पैदा करता है, जो गोल गेंद जैसे पुष्प क्रम में गुच्छेदार होते हैं। ये फूल अपनी मीठी खुशबू के लिए जाने जाते हैं। फल एक छोटा माशल और गोल बेरी है, जो पकने पर भूरे रंग का हो जाता है। उपयोग, लकड़ी। बर्फ फ्लावर ट्री की लकड़ी नरम होती है और इसका उपयोग प्लाईवुड, फर्नीचर और कागज बनाने में किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा। तो ये पेड़ के विभिन्न भागों, जिसमें छाल, पत्ते, फूल शामिल है, का इनका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में बुखार, त्वचा रोग, पाचन संबंधी समस्याओं जैसे रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। सजावटी पार्क के हिसाब से ये अपने आकर्षक फूलों और बड़ी छतरी के कारण पेड़ों को अक्सर पार्कों और सड़कों के किनारे लगाया जाता है। निवास स्थान के आसपास बर्फ फ्लावर पेड़ उष्णकटिबंधीय जलवायु में पनपता है। खासकर उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में ये आमतौर पर नदी के किनारे दलदलों, निचले जंगलों में पाया जाता है। ये पेड़ विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण और कभी कभी धार्मिक प्रथाओं में लोक कथाओं से जुड़ा होता है। तो भाई, लोक कथाओं की बातों में तो मैं कहाँ का बताऊँ, वो धार्मिक वाला चैनल पर तो मैंने सेपरेट वीडियो ही डालना पड़ेगा। तो चीज़ समझाऊँ, ये लक्ष्मी के बहुत प्रिय फूल माने जाते हैं। यानी जो ये फूल लक्ष्मी पे भेंट करता है तो लक्ष्मी उनकी कृपा बनाए रखती है। भाई, लक्ष्मी लक्ष्मी की जगह अपना काम करेगी, आप अपना काम करोगे, आपका ब्रेन ठीक रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा, सोच अच्छी रहेगी, तो फिर आपके लिए कभी भी आपका लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, यानी पैसे की कमी नहीं होगी। तो पैसा की कमी जब होता है, जब आपका दिमाग पॉजिटिव सोच नहीं रखता, नेगेटिव सोच के साथ चलता है। तो ये जो मैं लाया हूँ, इससे क्या दवा कैसे बनती है वो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो, और इससे कैसे है, जो ये मैं दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल छोटा है, आपको सैंपल दिखाया है, शुरू शुरू में दिखाया, वो परिपक्व अवस्था में बहुत बड़े होते हैं, बाद में सूखने के बाद ये कच्चा वाला फल है। इस फल से यदि आप अर्क निकालोगे तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। लेकिन आपको वीडियो में मुझे समझाने के लिए ये चीज़ बतानी पड़ी, तो आप इसको समझिए, अपना आयुर्वेद का ज्ञान को लीजिए और उस ज्ञान को अपने इलाके में बांटिए। और ऐसी चीज़ों वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे को डिस्क्रिप्शन में नोट तो मैं डालता ही हूँ, कमेंट करके बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर पढ़े डिस्क्रिप्शन।